मैजिक पॉट स्पाइस एंड केक्स में आप सबका स्वागत है। समर सीजन को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए लेके आई हूँ कटोरी चाट, चटपटा कटोरी चाट। लेकिन इस कटोरी को फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, बेक करिए और अपने चॉइस के हिसाब से फिलिंग भरिए इस बेक्ड कटोरी में और मस्त एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले मैंने रेडी किया है डो, तो लिया है मैंने होल व्हीट 1/4 कप, टेस्ट अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के डो रेडी कर लिया है कटोरी का। आप इंग्रेडिएंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अब जैसे ऑयल डाल लिया, अब इसको क्रम्बल कर लेंगे और उसके बाद हल्का सा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो कटोरी का रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमें एक डो रेडी करना है और जैसे ये डो रेडी हो जाता है 10 से 15 मिनट हम इसको रेस्ट पीरियड में कवर करके रख देंगे ताकि ये और मॉइस्ट हो जाए। और जैसे 10-15 मिनट हो जाएगा हम इस डो को निकालेंगे, हल्के हाथ से थोड़ा गूथ लेंगे और इसको साइड कर देंगे। ये ले लिया मैंने टार्ट के बेस। टार्ट बेस में ऑयल ग्रीस कर लिया है। आपके पास अगर टार्ट बेस नहीं है आप सिंपल पापड़ी बना सकते हैं और बेक कर सकते हैं। ये छोटे छोटे लोई मैंने ले लिया है और टार्ट बेस में धीरे से रख के उसको प्रेस करके टार्ट बेस के शेप में ले आना है और उसके बाद 180 डिग्री में इसको 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। लेकिन उसके पहले हमें इन टार्ट बेस को रेडी करने के बाद एक फॉर्क से डॉकिंग करना है ताकि ये बेक होने के टाइम पफ अप ना हो जाए, क्योंकि हमें ये क्रिस्पी चाहिए। ये गया बेक होने के लिए 180 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। अब हम अपना मिक्सचर रेडी करते हैं। उबला हुआ चना 1/2 कप ले लिया है, छोटा कटा हुआ प्याज, छोटा उबला हुआ आलू काट लिया है, एक छोटा टमाटर काट लिया है और उसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून इमली का पानी, उसके ऊपर चाट मसाला 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सारों को ऐड करने के बाद मिक्स कर लीजिए। ये रेडी हो गया हमारा मिक्सचर। अब 30 मिनट्स बाद ये हमारा कटोरी भी रेडी हो गया है। ठंडा होते इसको डिमोल्ड कर लीजिए और उसमें अपना फिलिंग डाल दीजिए। ये ले, सारा फिलिंग ऐड हो गया है इसमें। अब हल्का सा भुना जीरा पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके बाद ऐड कीजिए आलू भुजिया, बेसन का नहीं आलू का, वो ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होता है। उसके ऊपर मैंने ऐड किया है मैगी का इमली पिचकू, बहुत ही टेस्टी है, इसको ऐड कर दीजिए। टैंगीनेस और स्वीटनेस एकदम बराबर है और गार्निश के लिए धनिया। और बस एंजॉय कीजिए बेक्ड कटोरी चाट विदाउट घिचपिच समर सीजन में। सबके साथ एंजॉय कीजिए।